जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई एफबी लाइव श्रृंखला, जिसका नाम हमने रखा है आपकी मेरी बात। उसमें सोच यह है कि हम अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों के, जो विभिन्न विभिन्न फैकल्टीज के हैं और जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं और जिनका अपना एक मुकाम है, उन लोगों से बातचीत की जाए और उनको समझा जाए, उनको सुना जाए, ताकि जन सरोकार की इस पहल में जनहित सर्वोपरि रह जाए। मूल कारण यह है इस परिवार का। तो आज आपके सामने आप उन्हें देखेंगे भी, सुनेंगे भी, हालांकि जिला तो बहुत ज्यादा परिचित है उनसे, लेकिन हम चाहते हैं बाहर का कोई आदमी समझे इस बात को कि शहर में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। कहने को ये परिवार नगर सेठ कहलाता है। ये और बात है कि ये विरासत ही नहीं, पूरी पूरी परंपरा है परिवार की, आपके दादा मियां से शुरू हुई, जिन्होंने लगातार इस शहर के उस आदमी को छुआ, उस आदमी को रोजगार दिया जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो काम सरकारों द्वारा नहीं हुआ वो इस परिवार द्वारा हुआ। तो आपके सामने पेश हैं मोइन साहब। आपका पूरा नाम मोइनुद्दीन निजाम है, यंग है, काफी एंथुसियाज्म में है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मोइन साहब, आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर अपन आगे बात शुरू करें। जी, मेरा नाम पूरा मोइनुद्दीन निजाम। जी, मेरे दादा जो हैं, उनका नाम था सैयदी मोहम्मद जी। जी जी, उनके बेटे थे मिस्टर निजामुद्दीन। जी, मैं उनका बेटा सेकंड सन हूँ। जी जी, और अभी बीडी इंडस्ट्री और बजाज की डीलरशिप है। ठीक है। और एक पेट्रोल पंप है। ठीक। और सोनालिका ट्रैक्टर की डीलरशिप उसको रन कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हम सब ब्रदर पाँच पार्टी कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज तो ये है। तो मैं सब बात ये है कि इस शहर पर बड़ा कलंक है कि ये बड़ा पिछड़ा शहर है, और पिछड़े होने का पहला अर्थ ये लिया जाता है कि यहाँ रोजगार नहीं है, आदमी के पास पैसा नहीं है। दूसरी जो सोच आती है वो आती है कि शिक्षा की कमी है। तो आप लोग एक उद्योगपति हैं, तो क्या आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे कि इस शहर में कोई दूसरा उद्योग पनप नहीं पाया? जी, इसमें सबसे जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल से जी यहाँ पर एजुकेशन का कोई इतना बड़ा कोई हब नहीं हुआ। जी देखिए, एजुकेशन अगर होती है तो उद्योग और बिजनेस और ये गुर्बत गरीबी सब खत्म हो जाती। जी जी, मैसेंजर ऑफ गॉड ने ये कहा था कि अगर 1400 साल पहले तुम्हें एजुकेशन हासिल करना हो तो चाइना भी अगर जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। जाना चाहिए। तो एजुकेशन का एक वैक्यूम है यहाँ पे। जी जी, और उसके लिए हमने ये रीजनल पब्लिक स्कूल में यूसुफ साहब के साथ मिलकर ओपन भी किया था। जी, लेकिन हम जैसा हम चाहते थे उस इतना उस पर वो ऊंचाइयों पर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। अब हमारी कोशिश है हमारी पूरी एमएन फैमिली की जी टॉप के अंदर हम ऐसा एक एजुकेशन हब खोले जिसके अंदर मतलब एक आम आदमी को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। उसमें एजुकेशन अगर रहेगी तो ये जो गुर्बत है, गरीबी है, वो भी खत्म होगी। अब जब उद्योग धंधे की बात आती है तो उद्योग धंधे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खुले नहीं है, इधर बंद हो गए। हाँ, वही उसके पीछे मैंने आपको बताया, इशारा वही है। हाँ, तो ये बंद होने की वजह जैसे लेदर फैक्ट्री रही या बीड़ी उद्योग भी यहाँ पे मुतासिर हुआ है। यहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह बहुत होते रहे हैं। कारपेट भी आया, कारपेट की भी इंडस्ट्री थी। उसके अलावा हमारा यहाँ पे जो एक मशीन से जो जीन्स और कपड़े की फैक्ट्री गारमेंट जिसका नाम था। जी जी, उसके बाद हमारा डीसीएम भी यहाँ ओपन हुआ। ओपन, ये सब यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन हुई और फिर चली। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ बिसलपुर की कैनल्स आए हैं जी,
तो हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर एक सरसों का जो है वो बहुत अच्छे मतलब सरसों होने अच्छी है, उस सरसों से मतलब ये हो सकता है कि जैसा कि बूंदी में जी अब अडानीज ने उन्होंने अपना वहाँ पे प्रोसेसिंग सेंटर खोल दिया है डाले और यहाँ का ऑयल अब वहाँ पे भी जा रहा है सही। तो हम लोगों का भी एक वो है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिसमें लोगों को रोजगार भी मिले सही। और ये जो बैस इसका यहाँ की जो सरसों है उसका बैस बहुत अच्छा है, उसका परसेंटेज जिसे बोला अच्छा है तो उस परसेंटेज गंगानगर के बाद सेकेंड अभी राजस्थान में टॉप है ठीक। तो उस सरसों बहुत अच्छी होने लगी है और इसका ऑयल के लिए अगर लोगों को रोजगार मिले तो एक अच्छा मतलब उद्योग साबित होगा जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा ठीक। और अभी तो ये कोरोना महामारी के उसमें हाँ ये सब कुछ चार पाँच महीने से रुक सा गया रुका हुआ है लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा कोरोना से आशा। चलिए तो आपने अच्छी बात बताई क्योंकि मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूँ कि इस जिले के लिए एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री शुरू की जाए जी तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। प्रॉफिटेबल इन सेंस नॉट इन इनकम, प्रॉफिटेबल यहाँ के किसान के लिए, यहाँ के आम आदमी के लिए, उसके रोजगार के लिए ज्यादा तो मुझे लगता है ठीक होगी। और जैसा आपने कहा और ईश्वर करे जल्दी इसमें सफलता भी मिले जी। लेकिन बात घूम के वहीं आती है कि क्या कारण रहे, क्योंकि जैसे आप मैं सोच रहा था रास्ते में जी एक इंडस्ट्री के लिए जरूरत होती है कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, हम उसको प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे, हमारी लेबर कैसी होगी या कहाँ उपलब्ध होगी। अब आके धर्म या ने पता नहीं क्या सोच के इंडस्ट्री लाए, कोई पत्ता तो यहाँ होता नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा साहस किया और मालिक ने आमदनी दी, ये ऐसा ही कोई और साहस क्यों नहीं कर पा रहा कि माना कि यहाँ वैसी फर्टिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी कोई उपज कोई खनिज कुछ तो यहाँ डेवलप हो, कोई ऐसा साहसी एंटरप्रेन्योर आए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और लोग हम इस कलंक से बच सकें। लेबर ओरिएंटेड काम अब आज के हालात में बहुत कम हो गया है तो आप समझते हैं जी। बीडी इंडस्ट्री तो क्या है पूरा मैन पावर पे सही, इसमें तो हम लोग इसको अगर हम चाह कर भी हम चाहें कि इसमें पावर का कुछ यूज कर ले नहीं, नहीं। 100 टाइम अच्छा ही हो जाता है बहुत ज्यादा। तो बीडी इंडस्ट्री तो जो लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है ऐसी बात नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा रोजगार है और घर पे बैठ के हाँ। आज अपनी महिलाएं और अपने मतलब लोग वहाँ पे घर में आराम से बीडी रोल कर लेते हैं और उनको नियर अबाउट में समझता हूँ 200 रुपए पर डे उनको वेजेस जा रहा है। इस टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियली 140 रुपीज पर 1000 रोल अच्छा रोल से पे है 1000 बीड़ी पे अच्छा अच्छा। तो तकरीबन हमारा मतलब 1500 बीड़ी 2000 बीड़ी भी लोग बांध और वो अपने घर पे काम भी कर रहे हैं तो ये रोजगार बहुत अच्छा है ठीक है। तो ऐसा नहीं है उसमें मतलब लोगों को बीड़ी इंडस्ट्री से कोई मतलब नाम से ऐसा लगता नहीं, उसमें तकरीबन अभी टॉप के अंदर उनियारा में है हमारा ब्रांच है उसमें तकरीबन हजारों मजदूरों को इसमें काम मिला हुआ है जी। और उससे और भी यहाँ पे कई ब्रांड और भी हैं तो बीड़ी इंडस्ट्री भी ठीक है, इसमें क्या है कि लेबर बहुत काम करता है। अब रही बात इंडस्ट्री की, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लाएंगे या कुछ और इंडस्ट्री लाएंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी होगी लेकिन लेबर को जॉब तो क्रिएट नहीं होंगे सही। अब जॉब क्रिएशन कोई ऐसी इंडस्ट्री खुले जैसा मैंने आपको बताया ऑयल इंडस्ट्री उसके अंदर है ऐसा पोजिशन के उसमें लेबर अपनी काम सकती है और लेबर लगेगी वही काम यहाँ पे उचित रहे। अब इसमें जो गार्मेंट में 800 लोग थे सही और एक अच्छा मतलब उसमें बता रहे कुछ लोग अपने मफाद अपने उसके खातिर लोगों को जाके उसको बंद कर खत्म कर और वो एक अच्छा वो था। इसलिए मैं तो लोगों से भी रिक्वेस्ट करी है और ऊपर भी आए जब हमने कम से कम उनसे रिक्वेस्ट करके ऐसी इंडस्ट्रीज तो डाली जाए बिल्कुल, क्योंकि हमारे टॉप के अंदर लेडीज में और जेंट्स में भी आपने देखे टेलरिंग का बहुत बड़ा हुनर है जिस तरह कारपेट का है बीड़ी का इसी तरह टेलरिंग का भी है जी। इसी तरह यहाँ दरिया बुनाई जाती है तो ये 3-4 चीजों में बहुत हम लोग बहुत लेबर ओरिएंटेड काम है और उसका जॉब भी क्रिएट होता है और लोगों ने महारत हासिल महारत हासिल एक बहुत पर्सनल सवाल पूछूं कि हाँ बताएं सर दरमियान है एक नंबर
स्थान पे आपके वाले साहब ने उसको आगे चलाया और अब इसका भार आपके कंधों पर है जी। कितना एक्सपेंशन हम कर पाए अपने इस बिजनेस में? देखिए 47 में मेरे 45 में मेरे दादा ने सबसे पहले यहाँ पे नमदे की फैक्ट्री खोली थी। ठीक है। तो जयपुर थे दोनों, दो ब्रदर थे मेरे दादा के। उसके बाद मेरे दादा जो यहाँ आ गए टॉप, उन्होंने आके यहाँ नमदे का काम शुरू किया। 1947-48 बहुत अच्छे मतलब उनके संस्कार। अरे नहीं साहब, उनकी तो चर्चाएं आज तक लोग बड़ी इज्जत से सुनाते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बीड़ी इंडस्ट्री डाली जी। और बीड़ी इंडस्ट्री डालने के बाद अभी हम लोगों ने उसमें बीड़ी के काम में तो अवेयरनेस जनरल इतनी अवेयरनेस आ गई कि अभी इसका प्रोडक्शन दिन दिन कम होता जा रहा है। फिर हमें मतलब इसमें मार पड़ी गुटके से, जबकि मैं मतलब पहले भी आपको दूसरे माध्यम से कह चुका हूँ और ये हमारे रिपोर्ट भी है कि बीड़ी इंडस्ट्री में मतलब जो नुकसान गुटका चिंग टोबैको से होता है जी, जी। वो स्मोक करने से नहीं होता। तो स्मोकिंग की वजह से तो थोड़ा दमा तो होता है कि नुकसान भी ये भी करता है, लेकिन ये कम हार्मफुल है। इसीलिए हम कभी भी गुटका इंडस्ट्री में नहीं गए क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होती है। तो हम लोगों का ऐसा, उसके बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया तेंदू पत्ता बेचने का काम। ठीक है। तो तेंदू पत्ते के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मतलब मेरे सब ब्रदर साथ हैं, मैं अकेले पे मेरे भाई नहीं है, मेरे चारों ब्रदर है, मेरा भतीजा है वो है। अब उसके मतलब एमपी में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट के ठेके लेते हैं। ठीक है। हम महाराष्ट्र में ठेके लेते हैं, राजस्थान में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में हमारा काम है। बिल्कुल। तो हम लोग 10% उसका जो कंज्यूमर है वो टॉप में हम लेके आते हैं। अच्छा। बाकी 90% हम उसमें पत्ते को सेल करते हैं। मेरे दादा के टाइम इतना पत्ते सेल करने का काम ही था जिसको मेरे फादर ने, मेरे फादर क्या है कि सेंट जेवियर से पास आउट थे तो वो अकेले थे। 85 में मेरी भी एजुकेशन ब्रेक हो गई, लेकिन मेरे फादर को मेरे ब्रदर्स वगैरह को पढ़ाने का बड़ा वो था। सही। मैं तो मेरे फादर के साथ बिजनेस में आ गए थे, मेरे बड़े भाई और मैं। अजमल भाई को फिर एम अजमल फिल्म्स के नाम से हम लोग फिल्मों का भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोला था जयपुर में एम आई रोड पे, और कई फिल्में रिलीज कर ली हमने। उसके बाद फिर वो 90s में वो काम हमने बंद कर दिया। अजमल भाई थोड़े बीमार हो गए, बीमार होने के बाद पापा ने वो काम बंद करके के सबने कहा फिल्मों का कहीं काम अपने को ठीक नहीं है। फिर हम लोगों ने 90s के बाद एक हम इसमें राइज किया पड़ते हैं। आज ऊपर वाले का शुक्र है कि आज हम मतलब डिस्ट्रिक्ट में बीड़ी इंडस्ट्री में हम लोग हाईएस्ट टैक्सपेयर है GST। हाँ, आपने एक बार बताया है। अभी मैंने मतलब एक टीवी चैनल के माध्यम से बताया था कि हम अनऑथराइज काम करते हैं, तो मैं तो बहुत हंसी आई थी क्योंकि मुझे तो मतलब बीड़ी इंडस्ट्री के अंदर इनकम टैक्स में भी काफी बड़ी संख्या तादाद में पैसा देते हैं। GST हम दो, और तेलुगु पत्ते पे भी GST है, बीड़ी पे भी GST है, उसमें करोड़ों रुपए की हम GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, और जोन में भी डिस्ट्रिक्ट में भी अपना पहला नंबर है GST और इनकम टैक्स भरने में। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे दादा के टाइम से ही, ये तो संस्कारिक नियत है। 25 साल पहले मेरे फादर को भी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट का अवार्ड मिला है। बिल्कुल सही। और इस तरह मतलब अभी ऊपर वाले का शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे फादर को क्या है कि एजुकेशन का बहुत हर ग्रेड कि मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो मेरे तीनों ब्रदर छोटे मेहो कॉलेज अजमेर से पास आउट हैं। ठीक है। छोटे वाले एक ब्रदर है मेरे इकबाल अली, उसको स्टीफन डेली से पास आउट है। उससे छोटे वाले जो है अलीगढ़ से पास आउट है मेहो करने के बाद। ठीक है। तक मेहो कॉलेज अजमेर में थे, फिर वो वहाँ पढ़े। उसके बाद जैसे मैंने नई जनरेशन जो आई, जैसे मेरा बेटा है, ठीक है, तो उसको मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ब्रांच दुबई में, उससे हमने उसको MBA करवाया है। तो अब उसको हम लोग सोच रहे हैं कि अभी कुछ लाइन डाइवर्ट करें, अपना बिजनेस भी थोड़ा डाइवर्ट करें, तो उसको उसकी एजुकेशन वहाँ हुई है। एक अजमल भाई का बेटा है, उसको ज्वेलरी का काम सिखा रहे हैं, तो अभी उसकी सिस्टर जो है न्यूयॉर्क में शादी हुई है, उसी जयपुर के रहने वाले हैं वो, तो न्यूयॉर्क के भी, तो वो भी मतलब काम सीख रहे हैं। तो हम लोगों का ये भी टारगेट है कि जेम्स का भी हम कुछ थोड़ा काम करें, और ऊपर वाला चाहे तो एक आध साल में बहुत अच्छा शुरू हो जाए। एक्सपोर्ट को लेकर कोई रुझान नहीं है या होता है अपने?
ये जेम्स का काम हो एक्चुअली नहीं जेम्स का है ही अपने देश बीड़ी की बात बीड़ी इंडस्ट्री में क्या है सक्सेस बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट अभी क्या हो रहा है कि ये चाकू सोचते हैं कि इसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट नहीं है हर इंसान ही चाहता है कि उसका आगे फ्यूचर ब्राइट रहे ऐसे बिजनेस में अब ये हमारी जनरेशन तो पूरी बीड़ी और पत्ते में है चारों बदल मेरे जाते हैं क्योंकि हमारा काम इतना उसमें है कि चारों हम ब्रदर भी कम मतलब मेन पावर का काम है पूरा वहाँ पर पूरे लोग होते हैं पूरा दो महीने मेहनत से मतलब रहना पड़ता है कि उसमें अजमल भाई का एक बेटा भी है तो वो जेवली में चला गया अब लेकिन एक ब्रदर मेरा एम पी जाता है एक बेटा मेरा एम पी मध्य प्रदेश संभालता है और एक ब्रदर मेरे यहाँ पे प्रतापगढ़ रहते हैं तो ये मतलब टीम वर्क है ये बीड़ी इंडस्ट्री या पत्ता इंडस्ट्री एक आदमी के बल पे नहीं चलता ये सब उनकी भी मेहनत है और उन्हीं लोगों की मेहनत है मैं तो बस थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ उनको डायरेक्शन दे सकता हूँ लेकिन ये है कि इसमें जो है मेन तेंदू पत्ते में और बीड़ी के अंदर जो कुछ आप जानते हो ग्रह के भगवान होते हैं और ये बायर है हमारे पास इसलिए हम नहीं मतलब काम भी बड़ा रिस्की है बहुत रिस्की है बहुत अंधा काम है बिल्कुल पत्ता कितना आएगा कितना नहीं आएगा क्या रेट से कुछ अंधा काम है बिल्कुल ब्लाइंड बिल्कुल ब्लाइंड काम है जी बिल्कुल ब्लाइंड काम है दूसरी बात ये थी कि मैंने मैं करीब 35-38 साल से यहाँ हूँ सर क्या कारण है कि आपके यहाँ कभी स्ट्राइक नहीं हुई नहीं फिर आप मेरे दादा की डेथ हुई 75 जी 72 में मेरे फादर ने यहाँ से एमएलए का इलेक्शन लड़ा और तकरीबन 250 वोट से हार गया कोई बात नहीं और 62 टू 69 मेरे दादा यहाँ पे चेयरमैन थे ठीक है और उनकी इज्जत और विकार की वजह से 26 ईयर ओल्ड थे मेरे फादर तो दामोदर व्यास साहब ने बुलाके उनको कहा कि नहीं निजाम को तो टिकट इलेक्शन लड़ा उन्होंने आके टिकट दे दिया यहाँ मालूम और वो टिकट लेने के बाद इलेक्शन फाइट किया इलेक्शन में बदकिस्मती से या किस्मत से जो हमारा चांस क्योंकि मेरे फादर अकेले थे ठीक है मेरे फादर की कोई ब्रदर नहीं है जी बेयर ब्रदर हाँ सिस्टर है जी बुआ जी एक है मेरी ठीक है तो वो जब 75 में मेरे फादर डेथ होने के बाद मेरे फादर को एकदम से 28-30 साल की उम्र में वो संभाल नहीं पाए तो 30-31 साल की जब एज थी उस टाइम पर फैक्ट्री में बड़ी स्ट्राइक हुई 12 दिन तक हमारे घर को घेर के रखा लेबर ने लोगों ने मिसगाइड कर दिया था अब उन्होंने सोचा ये निजाम भाई तो मेरे फादर मेरे दादा ने क्या किया था कि ये सेंट जेवियर से पढ़ा लिखा है ये आदमी कहाँ पे बीड़ी का काम करेगा तो उन्होंने 3 बैंक बनाए यहाँ पे अच्छा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर पंजाब नेशनल बैंक ठीक है सेंट्रल बैंक ये तो अपनी बिल्डिंग हाँ ये सब उन्होंने इसलिए बनाए गए थे कि भाई कुछ नहीं थे अपने किराए से अपना काम आना से जिंदगी गुजरते लेकिन मेरे फादर ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की इस इंडस्ट्री में भी करी और लोगों को समझाया फिर वो स्ट्राइक 12-13 दिन चलने के बाद खत्म हुई जयपुर में जाके कॉम्प्रोमाइज हुआ तौफीक हसन एडवोकेट साहब थे जो की अभी शिकागो में यूएसए में है वो मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे उन्होंने भी कुछ आज में बहुत हेल्प करी मेरे फादर की और फिर वो स्ट्राइक खत्म होने के बाद फिर ये काम स्मूथ ही चलता रहा स्ट्राइक तो ये भी अब नहीं हो पाती है क्योंकि हम लोग लेबर के लिए तो बेस्ट जो हो सकता है वो सब कर रहे हैं अब उस बताने से कोई आपके सामने बोलेंगे लेकिन जो भी हमसे बन सकता है सोशल एक्टिविटीज हो मेडिकल एक्टिविटीज हो और फिर गवर्नमेंट के फंड्स बहुत आने लग गए सही लेबर तो अब लेबर को स्ट्राइक से ज्यादा काम पे ध्यान है उनका क्योंकि उनको पीएफ मिलने लग गया है उनको बोनस मिलने लग गया है अब आप ये देखिए उनको पेंशन मिलती हैं मेडिकल हॉस्पिटल हैं यहाँ पे उनको दवाएं फ्री मिलती हैं यहाँ भैर के पास उन्हें कॉलोनी बनाई गई वो घर फ्री मिले कईयों को बहुत कम रेट में गवर्नमेंट ने घर उपलब्ध कराया और मैं कह रहा हूँ आगे भी इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि जो लोग ये फ्री बांध के अपना ये करते रहेंगे ना तो उनको तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलने ही वाली है आपके लेबर क्लास जो भी है श्रमिक वो जो आपके बिल्कुल प्लेयर्स हैं जी जी उनको लेबर कहना भी गलत जी इसे उनके बच्चे हैं और वो अचीवमेंट्स में आगे जाते हैं जी। तो क्या अपना संस्थान जी। किसी तरह का उनको आगे फ्यूचर के लिए एडवांस स्टडीज या एडवांस कोचिंग या उसके लिए भी कहीं कोई एफर्ट्स करने का एजुकेशन में भी हम लोग करते हैं जी और धार्मिक उसमें भी दोनों बातों में करते हैं ठीक है हम लोग जैसे मैं जब 2000 में हज पे गया था जी जी
मैंने वहाँ बहुत परेशानी देखी, परेशानी देखी तो मैंने एक ऑफिस ही बना दिया हेल्थ गाइडेंस सोसाइटी के लिए। ठीक है। फिर वहाँ पे जब लोग 2010 तक और जब लोग वहाँ जाते रहे तो हम दिल्ली तक उनको बसेस से छोड़वाते, पैसा वो लोग हाजी लोग देते थे लेकिन हमको सब सुविधा भी यहाँ हमारे ऑफिस से मिलती है, वो हम अन्य से देख के पूरी सुविधा उनको कराते हैं। इसी तरह आपने कहा कि एजुकेशन का, तो एजुकेशन का हमारे यहाँ पे लोग हैं जो भी हमने कोशिश कर सकते हैं वो पूरी करते हैं, कहीं किसी का कोई इंटरव्यू का इसका होता होता है तो उसको गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। ये और ये प्रथा मेरी कोई अभी से नहीं चल रही है, सोशल एक्टिविटीज में मेरे दादा के टाइम से ही, जिस तरह जैसे सादत हॉस्पिटल है इसके अंदर जब धर्मशाला बनी तो उसमें मेरे दो रूम मेरे दादा ने बनवाया, रामलीला रंगमंच जो बनवाया उसमें मेरे दादा का रोल है गाँव के अंदर। उसके अलावा जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जी यात्रा जाती थी तो हमारा बसों का काम था। अच्छा। उस बसेज में उनको वहाँ तक भी हमने सीताराम अग्रवाल साहब की अगुवाई में बसेज जाती थी, तो वो भी हम कार्य हम करते रहे। दिग्गी में यात्रा जाती है, आज भी हमारे कॉर्नर पे स्टॉल लगती है और बैनर लगता है मोहम्मद निजामुद्दीन के नाम से। ठीक है। और फल और पानी की व्यवस्था वहाँ आज भी करी जाती है। जी। शिवाड़ यात्रा जाती है तो यहाँ से डीजल वगैरह सब जो हमारे ट्रैक्टर्स हमारे उसमें करवाते हैं। जी। तो वो हमारा मतलब मजहब जो है प्रेम का मजहब है हमारी फैमिली का, हम हर धर्म के लिए हर समाज के लिए जो हमसे बन सकता है सही कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम मेडिकल कैंप लगाते हैं अपनी फैक्ट्री में। ठीक है। और उसमें इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आ गए कि आज अगर हम उन्हें बुलाना भी चाहें तो जयपुर में भी मिलना उनका मुश्किल है, जैसे सैफी अर्शी वाला जो कि वेदांता हॉस्पिटल से दिल्ली से हैं और जयपुर राजस्थान के अंदर सबसे पहला हार्ट का बाईपास सर्जरी उन्होंने किया, तो वो भी टॉक आके हमारे कैंप पर के जा चुके हैं फैक्ट्री में। तो हम लोग यहाँ पे बीमारियों के लिए या इसके लिए भी जो हमसे हो सकता है ENT वाले डॉक्टर्स को बुलाते हैं जिसका हमारे को बहुत जरूरी होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया मैंने, ऐसे कैंप भी सोशलिस्ट में चलते रहते हैं। इसी तरह जैसे अभी मेरे दादा ने मैंने बताया तो मेरे फादर ने भी फिर हॉस्पिटल के अंदर जी एक बहुत अच्छा कॉटेज वार्ड बना के दिया, वो मेरे फादर के नाम से यार। मैं सब बातें इसलिए क्योंकि ये बताने के लिए मकसद आपने कहा कि आप अपने जरूरी है ना। अभी जैसे हमारे रोटरी क्लब में अरविंद विजय साहब है, उन्होंने मुझसे कहा कि अपन को न्यायालय के अंदर प्याऊ बनानी है, पानी की बड़ी परेशानी थी, तो उनके फादर मेरे फादर के नाम से भी वो प्याऊ है और उसको हम लोग बिल्डअप करके पूरा पक्का बनाने की सोच रहे हैं और बहुत जल्दी उसके अंदर न्यायालय के अंदर कोर्ट परिसर में वो प्याऊ भी अभी है अच्छी है लेकिन चल रही है, लेकिन हम उसको चाहते हैं कि उसको अच्छी रूप है उसको बनाते हैं और उसके अंदर मशीने वगैरह लगवा के ठंडे पानी का वो करते हैं। ये एक और छोटी मोटी सोशल एक्टिविटीज पर जो चलती है चाहते हैं वहाँ चाहे एजुकेशन में हो कि भाई कोई बच्चा जिसको फीस का इसका होता है तो वो तो हम साल भर जो भी है करने की कोशिश। ऐसा नहीं हो सकता जैसा अभी आपने कहा एजुकेशन को लेकर के आपका विचार भी है और आपने प्रयास भी और उसका रिजल्ट भी अपने सामने कि वो अपने जिस तरह अपन चाहते थे वो मंजिल अपन प्राप्त नहीं कर सके, कोई बात नहीं। तो मेरा एक थोड़ा सा कहना है, शायद ठीक लगे, क्यों नहीं अपने बुजुर्गों के नाम से अपने दादाजी के नाम से एक मेमोरियल संस्थान बनाई जाए, लेकिन उसमें मतलब जो आपका सोच है उसका जो मॉनिटरिंग है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटल आपके सोच पर हो और जिस तरह चाहे उसको व्यवस्थित करें लेकिन वो इस तरह हो कि वो अच्छे प्रोटेक्ट दे सके, वो बच्चा पढ़ के कुछ गर्व से कहे कि मैं वहां से पास आउट हुआ हूं उनसे, तो ऐसा कुछ करें स्थायी ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। और छोटा बंदर भी मेरा काम देख रहा है तो अब क्या थोड़ा सा जिंदगी का सुकून, अब मैं ये चाहता हूँ खुद मतलब हम लोग फैमिली मेंबर यहाँ पे मिस्टर एआर खान कलेक्टर थे, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि तुम ट्रस्ट बनाओ और अपने ट्रस्ट बना के यहाँ पे अपने पापा के नाम से या दादा के नाम से कोई स्कूल या कॉलेज अच्छा से अच्छा खोलो, मैं तुम्हारी पूरी मदद वही कहना चाह रहा था।
तो मैं उनको अंतर बोलता हूँ, तो मैंने उनसे वादा भी किया है कि मैं अभी भी वो आते हैं, हम लोग कई बार स्कूल जाते हैं और जैकेट और स्वेटर्स वगैरह तकसीम करने जाते हैं। मैं जस्ट अनवर साहब है उन्होंने, और मैंने एक फंक्शन में यहाँ पे कहा भी था कि भाई कोई बच्चा जो अगर उसको पीएमटी में या इसमें कोई फीस का या कुछ इसका कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि देखिए अभी ये बहुत कुछ हो गया है धर्म के नाम पे काम, अब अपने को एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। ये मेरे साहब ने मुझे समझाया सही कि भाई अपन को अपनी इसमें क्योंकि यहाँ सभी सामान सही यहाँ पे इतना मतलब वो मैं पर्सनल एस पी साहब से मिल गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम क्या चाहते, मैंने कहा सर हमारे यहाँ दो चीजें बंद करवा दो, एक तो ड्रग्स और एक शराब। आप रोज शाम में पेट्रोल पंप पे चले जाओ मेरे सामने, पांच पाउच बच्चा बेचता है, ये लोग वो कोई बात नहीं, वो सब इलीगल है, वो बच्चे दो चार पाउच बेचते हैं फिर एक पाउच खुद पी लेते हैं, बस वो माहौल ऐसे ही रहता है। ये कम्युनिटी में हो रहा है, ड्रग्स में क्या है कि ड्रग्स में अब लोग ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे, मुस्लिम फैमिली में शराब अलाउ नहीं है, तो शराब पीता है तो घर को पता लगता है ड्रग्स ले लेता है सिगरेट, उसको किसी को फैमिली मेंबर को पता नहीं लगता है कि वो क्या कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा था साहब इसमें थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को करें सर, तो ये काम ऐसे इलीगल यहाँ पे ड्रग्स का और शराब को नहीं, इससे तो हमारी पुष्ट है और हमारी जो पीढ़ी खत्म हो जाएगा। तो हमने तो ये तो रिक्वेस्ट करी थी आदेश साहब से, तो अच्छा छोटा रूप में खुले खुले अगर यहाँ पे हम लोग दे पाए और एक फिजिशियन अच्छा पर्सनल अपनी फैमिली के सब ट्रस्ट के उसमें, क्योंकि देखिए कार्डियोलॉजिस्ट का कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। अरे साहब कोई डॉक्टर अच्छा आता ही नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब अगर यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ तो जैसे ही अटैक होता है इंजेक्शन देकर उसको जयपुर में जयपुर, और ऑन द वे मेरे ख्याल से उसकी कैजुअलिटीज अगर अपन देखेंगे तो 150 आदमी साल के वो रस्ते में पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि जिसको हार्ट अटैक पेशेंट जो होता है उसको हिलाने ही मना होता है, अब उन्हें जयपुर ले जाना पड़ता है मजबूरी में, तो बहुत रिस्की काम है। एक तो ये होना चाहिए डॉक्टर, बाकी हम लोग तो अपने छोटे स्तर पे हम ये चाहते हैं कि ऐसा एक वो हॉस्पिटल छोटा बना दें कि जो मतलब ये लेडीज का मतलब क्लिनिक उसमें हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो जरूरी है, मतलब प्रसव वगैरह का बहुत जरूरी, ये दो कामों में काम करने की जरूरत है, इंसानियत से भरे हुए काम है। नहीं तो ये इसमें एक आखिरी बार आपको बता दूं कि जब मैसेंजर ऑफ गॉड से पूछा गया कि तुम में सबसे बेहतर कौन है, तो आपने फरमाया कि जो नमाजी या हाजी नहीं, जो लोगों के काम आए वो सबसे अच्छा है। और इस्लाम की डेफिनेशन ये है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप किसी बुजुर्ग से जो भी पढ़े लिखे मैं तो बहुत कम हूँ, उसकी डेफिनेशन यही है कि आज आए इंसान के काम आने का नाम इस्लाम, बहुत सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। मेरे ख्याल से आपसे द्वारा करना चाहिए जो बात कही जा रही है, मैं तो कहूँगा फिर आप रिपीट कीजिए ताकि आदमी आदमी को मोहब्बत कर सके। और देखिए मैसेंजर ऑफ गॉड जब पूरा अपना खुतबा देके आए जी, तो एक सहाबा ने पता किया कि रसूल अल्लाह हम लोग हमसे पता करें कि इस्लाम क्या है तो हम क्या कहेंगे उनसे, कि लोगों के काम आओ लोगों को खाना खिलाओ, इससे बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है। तो हम तो उस धर्म को मानते हैं और उस बात को आज भी फॉलो करते हैं, और हमारी होली बुक में भी यही है कि दूसरे धर्म को बुरा मत कहो, दूसरे धर्म की इज्जत करो और लोगों से मोहब्बत करो, और यही पैगाम होना चाहिए। मेरे नबी का भी यही पैगाम था, मैसेंजर ऑफ गॉड का भी यही पैगाम है, हम तो यही कहते हैं कि लोग एक दूसरे के काम आए, यही सबसे बड़ा धर्म। तो मन साहब बहुत अच्छा आपसे मौका मिला बातचीत करने का, और हम समझते हैं कि आम जन में जो थोड़ी अच्छी समझ पैदा होनी चाहिए जी, तो इस प्रोग्राम का सीधा सीधा अर्थ ये भी है हमारे लिए कि हम सीधी बात सामने इसलिए लाएं कि आप एक व्यक्ति के बारे में भ्रम ना रखें जी, जी उसे पहचानने की कोशिश तो करें जी, जी फिर आप अपना निर्णय लें, लेकिन कंफ्यूज होकर किसी के बहकावे में आकर किसी पर छींटा कसी करना या मन में जो आरोप कर देना वो नितांत अच्छी बात। देखिए सक्सेना साहब ये तो अब आपने अफसोस दिया, हमें आपने बुलाया, आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलते है। नहीं नहीं, वो चलता रहता है, कोई बात नहीं, सबके सब जीवन में होता है। बाकी आपसे थैंक यू।